गुजरी माता और बंधुओं, तब एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट को याद करेंगे, ध्यान करेंगे उनका। हमारा रास्ता ध्यान योग, ध्यान योग का है और ध्यान को कैसे अपनी ज़िंदगी में जोड़ते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे जुड़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे इस रास्ते के अंदर, कैसे अपने जीवन को सफल बनाएंगे, बहुत ज़रूरी है जानना। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश जो है आध्यात्मिक देश है और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा का पूजन पूजा करते हैं। तरीके अलग अलग हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं और हर 20 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है और परमात्मा का स्वरूप बदल जाता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है, बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। कितना सुंदर परमात्मा ने ये योनि हमको दी, परमात्मा की साया जब से पैदा हुए तब से हमारे साथ है और जब हम इस जहान को छोड़ के जाएंगे तब भी हमारे साथ है। समझने की ज़रूरत है कि कैसे परमात्मा की कृपा जन्म से अंत तक हमारे साथ है और ये मनुष्य जीवन के अंदर ही समझा जा सकता है और कोई योनि ऐसी नहीं है जो समझा सकती हो। परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर कर्म को मनुष्य योनि प्रदान की, सबसे बड़ी देन। और हमारे सामने हमारे कर्म जो हम पहले जन्म में करके आए, कितने जन्मों के सत्कर्म हैं हमारी आत्मा के साथ, वो ये प्रदर्शित करता है कि हमको परमात्मा ने फ्री कर दिया, बिल्कुल सब कुछ किया जा सकता है। और जो आज कर रहे हैं उसका फल वो आगे प्राप्त करेंगे। तो इसलिए जिस कर्म को पहले करके आए अगर उसी कर्म को बढ़ाएंगे, हमारा जीवन बड़ा सुंदर और ये जीवन क्या अगले जो जीवन होंगे वो भी बड़ी सुंदर और सुखद पूर्ण व्यतीत होंगे। ये तो हो गए, प्रेजेंट विल बी वेरी गुड। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हम मंदिर जाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं, ये पहले तरीके की पूजा है, फर्स्ट स्टेप ऑफ पूजा। मंदिर जाना, भगवान जी को जल चढ़ाना और भगवान जी को निलाना, उनके कपड़े बनाना, भक्ति भाव, फर्स्ट टाइम पूजा पहली। इसका फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त है, पर ये शारीरिक पूजा है, मन अपने काम में लगा रहता है और शरीर मंदिर जाते हुए आते हुए और उस समय भी स्थिर नहीं हो पाता। दूसरा तरीका है ध्यान योग, आनंद योग, सहज योग, मानसिक पूजा, मन से।
उसमें शरीर तो इन्वॉल्व होता ही है, साथ साथ मन के अंदर ये धारणा रहती है कि हमारा इष्ट हमारे सामने विद्यमान है, और कंसंट्रेशन हमारा जो पहली पूजा है उससे थोड़ा अधिक बनना शुरू हो जाता है। हमारा रास्ता ध्यान योग का दूसरे नंबर का तरीका है, जिसमें मन और शरीर दोनों साथ साथ इन्वॉल्व होते हैं और कंसंट्रेशन हमारा बहुत सुंदर और अच्छा बनता चला जाता है अपने इष्ट के चरणों में। तो सबसे पहली बात कि हमको एक इष्ट का चुनाव करना है, सबसे पहला काम। जो साधक है सबसे बड़ा उसका काम एक इष्ट का चुनाव करना, और वो भी जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा और सुंदर लगता है उसको चुने। कोई भी राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई देवी को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं, जो जिसका इष्ट है। 33 करोड़ देवी देवता में अपने इष्ट को चुन लीजिए, जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। दो बत्ती अगरबत्ती जलाएं, बड़े प्यार से बैठिए, वो भी निश्चित कीजिए कि कौन सा आसन सब आपके मन को सबसे सुखदायी लगता है, जिसमें सबसे ज़्यादा सुख हो उस आसन पर बैठें। उसके बाद धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, धूप दीप करें, वातावरण शुद्ध करें, मन प्रसन्न हो, उसके बाद बड़े प्यार से बैठिए। अगर कोई भजन आपको आता है तो गाइए, नहीं आता तो भावना बनाएं। उसके बाद ये महसूस करें कि जो हमारा परमात्मा है, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाली हुई है, जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, उसको ये महसूस करें कि वो हमारे सामने विद्यमान है, आपके सामने सह शरीर बैठा हुआ है। अब वो फोटो में नहीं है, मूर्त में नहीं है, सह शरीर हमारे सामने मौजूद है। ख्याल से उस पवित्र मूर्त को अपने सामने बनाएं, और ये ख्याल करें, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, आपका जो आपका इस जो आपके आंखों के सामने हमेशा आता है उसको अपने सामने बनाइए, उस पर अपने मन को कंसंट्रेट करिए, उसी को देखिए। ना कोई और शक्ल बने, ना कोई और विचार आपके सामने आए, पर जैसे ही आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो आपने जिंदगी में कभी सोचा नहीं होंगे। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए, फिर अपने विचार को हटाएं, अपने इष्ट की याद में लगिए। अगर आज ये ध्यान करते हुए अपने इष्ट की मूर्त बनाते हुए दिल की हर धड़कन से अपने इष्ट का नाम लेते हुए अगर 100 विचार एक मिनट में आते हैं, तो कुछ समय बाद अगर यही प्रैक्टिस आपने जारी रखी उन विचारों में कमी आएगी, और उसके बाद एक स्थान एक दिन ऐसा आएगा कि आप बैठे होंगे और आपका इष्ट सामने होगा, ना कोई विचार होगा ना ख्याल, उसमें ऐसे तल्लीन होंगे, ऐसे खोए होंगे, कितनी मन को शांति मिलेगी, जितना मन पर भार होगा वो हल्का होगा, और ऐसी ऐसी समस्याएं हल होंगी जो जिंदगी में आपने सोचे नहीं होंगे कि ये भी हल होंगी। बहुत सुंदर समा होगा, बहुत मन खुश होगा, मन खुश आत्मा खुश, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, समाज खुश, दूसरे हो भाई हैं,
जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम अल्लाह वाहेगुरु, वो नाम को चुने, बड़े प्यार से बैठिए। और ये सुखासन से, और ये ध्यान कीजिए कि हमारे मन से ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम आपने चुना है वो निकलता है और वाइब्रेट करता है पूरे शरीर के अंदर। उसके वाइब्रेशंस को महसूस करें, उसकी प्रेजेंस को महसूस करें और उसके आनंद से आनंदित होइए। ये पूरा रास्ता ध्यान योग का आनंद ही आनंद का है। बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जैसे जैसे चीज़ें आपको समझ आती चली जाएंगी, वैसे वैसे आपका मन हमारे शरीर के अंदर आनंद, चैतन्यता, खुशी हमारे मन के अंदर ही हमारी आत्मा में है। जैसे जैसे उसकी पहचान होती चली जाएगी, उसके नज़दीक होते चले जाएंगे, आप आनंदित रहेंगे और सुंदर काम होगा, समाज की बेहतरी होगी और बड़ी सुंदर अवस्था आपकी होगी। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। माना कि आज तर के तमन्ना करेंगे हम, माना कि आज तर के तमन्ना करेंगे हम, तेरे बगैर जी के भला क्या करेंगे हम, तेरे बगैर जी के भला क्या करेंगे हम, माना कि आज तर के तमन्ना करेंगे हम, माना कि आज तर के कम होगी जब चरागे मोहब्बत की रोशनी, कम होगी जब चरागे मोहब्बत की रोशनी, दिल को जला के बज़्म में, दिल को जला के बज़्म में उजाला करेंगे हम, दिल को जला के बज़्म में उजाला करेंगे हम, तेरे बगैर जी के भला क्या करेंगे हम, माना कि आज करके जलवा तेरी महफिल का दब दाखिलों के देखा, जलवा तेरी महफिल का जब दाखिलों के देखा, है नजारा सब नजर का, है नजारा सब नजर का, न रुसवा करेंगे हम, है नजारा सब नजर का, न रुसवा करेंगे हम, तेरे बगैर जी के भला क्या करेंगे हम, माना कि आज तड़के तमन्ना करेंगे हम,
माना किया तड़के, बैठे हैं वो नकाब पोश तख्त पे औलिया, बैठे हैं वो नकाब पोश तख्त पे औलिया, वो होंगे बेनकाब तो वो होंगे बेनकाब तो, पर्दा करेंगे हम वो होंगे बेनकाब तो, पर्दा करेंगे हम तेरे बगैर जी के, भला क्या करेंगे हम, माना किया आज तड़के तमन्ना करेंगे हम, माना किया आज तड़के, ले चल दिल उनके दर पे करने को बंदगी, ले चल दिल उनके दर पे करने को बंदगी, ले चल दिल उनके दर पे करने को बंदगी, आज उनके पाए नाज पे, आज उनके पाए नाज पे सजदा करेंगे हम, आज उनके पाए नाज पे सजदा करेंगे हम तेरे बगैर जी के, भला क्या करेंगे हम, माना किया आज तड़के तमन्ना करेंगे हम, माना किया आज तड़के तेरे जज्बाए फैज से दुनिया है बेखबर, तेरे जज्बाए फैज से दुनिया है बेखबर, खुश हो के दौलत दीन से, खुश हो के दौलत दीन से झोली भरेंगे हम, खुश हो के दौलत दीन से झोली भरेंगे हम तेरे बगैर जी के, भला क्या करेंगे हम, माना किया जो तड़के तमन्ना करेंगे हम, माना किया जो तड़के तमन्ना करेंगे हम तेरे बगैर जी के, भला क्या करेंगे हम तेरे बगैर जी के, तेरे बगैर जी के, तेरे बगैर जी के।
बिना गुरु बा
Thank you.
जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणो। श्री यशुरूप चरणो शरणो, जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणो। श्री यशुरूप चरणो शरणो, जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणो। श्री यशुरूप चरणो शरणो, जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणो। श्री यशुरूप चरणो शरणो, जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणो। श्री यशुरूप चरणो शरणो, जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणो। श्री यशुरूप चरणो शरणो, जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणो। श्री यशुरूप चरणो शरणो, जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणो। श्री यशुरूप चरणो शरणो, जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणो। श्री यशुरूप चरणो शरणो, जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणो। श्री यशुरूप चरणो शरणो, जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणो। श्री यशुरूप चरणो शरणो, जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणो। श्री यशुरूप चरणो शरणो,
शरणम श्रेयस्वरूप चरणम शरणम जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणम शरणम जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप
सद्गुरुदेव जय पद शरण श्री यशुरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्री यशुरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेयशरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेयशरूप चरण शरण
शरणो श्री यशु रूप चरणो शरणो जय सतगुरु देव जय पद शरणो श्री यशु रूप चरणो शरणो जय सतगुरु देव जय पद शरणो चरणो शरणो जय सतगुरुदेव जय पद शरणो श्रीयशरूप चरणो शरणो
सद्गुरुदेव जय पद शरण श्री यशुरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्री यशुरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेयस्वरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेयस्वरूप चरण शरण।